शकी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो धरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है, इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। परेशान हो रही हो, मुझे मार डालेगा वो, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पर कौन था सुनीता, वहां तो कोई नहीं है। वो बूढ़ा सा, वो गंजा सा। हाँ, हाँ। सुनीता ये तुम्हारा वहम है। नहीं ये मेरा वहम नहीं है, वो सच मुझे आया था। अच्छा, अच्छा। वो मुझे मार डालेगा। ओके 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 तुम आराम से सो जाओ, मैं यहाँ बैठा ओके सो जाओ। कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, तुम आराम से सो जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, भाई बड़े अच्छे वक्त पे आए, आइए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। चलो थैंक्स, मैं करके आया। अच्छा तो डॉक्टर साहब मैं दो मिनट में नाश्ता खत्म कर दूं फिर आता हूं आपके साथ। या, ठीक है, ऑन टाइम। सुनिए, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है। तो देवर जी आपकी तबीयत खराब है या पल्लवी की? ये डॉक्टर तुम्हें देखने आया है। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। क्या क्या हुआ है मुझे? भाभी भैया कह रहे थे कि आपको डरावने सपने आते हैं। मुझे कोई सपने वपने नहीं आते हैं। वो आदमी मुझे सचमुच मारना चाहता है। डॉक्टर साहब आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। लेकिन 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 क्या क्या हा? क्या कहना चाहते हो तुम यही कहना चाहते हो कि मैं सीजे फ्रेनेक हूं, स्प्लिट पर्सनालिटी की शिकार हूं मैं? देखो ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं। सरकारी डॉक्टर हो और ये हेल्थ मिनिस्टर है, तो मेरी बात क्यों मानोगे? तुम तो इनकी बात मानोगे, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो।
मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे वो आदमी मारना चाहता है, समझे तुम? दीदी, कोई आपको क्यों मारेगा? तुम मारना चाहती हो मुझे? दीदी, हाँ, मुझे तुम पर भी विश्वास नहीं, मुझे 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 किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी पर भी नहीं। तो कोई नहीं है। लेकिन लेकिन वहां तो कोई नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो वही मरा पड़ा होगा, वो वही मरा पड़ा होगा। दीदी, आपने देखा नहीं ध्यान से? दीदी, इतनी रात है, गेट तो बंद है, कोई अंदर कैसे आ सकता है? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास कभी नहीं होगा। सुनो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। भाभी, जगह बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ही हो जाएगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे मुझे मेरे बेटे के पास भेज दो। अब तुम शलोक को तंग करोगी? वो नन्ना बेचारा हॉस्टल में रहता है, तुम उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस अपने बेटे के पास जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। भैया, आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लगवा लेते? पुलिस के आने के बाद तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? हेलो कमिश्नर साहब। हाँ तो इंस्पेक्टर, आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। जी नहीं सर, कुछ बातें अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही है। यानी क्या समझ में नहीं आ रहा आपके? सर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी पत्नी को वहम ही हुआ है? हो सकता है कि उन पे सचमुच अटैक्स हो रहे हैं। ओह कम ऑन इंस्पेक्टर, मैं बहुत दिनों से झेल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने उसके लिए। सर, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है फिर यहां मेरे नहीं डॉक्टर की जरूरत होनी चाहिए थी। देखो इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। स्वाति की तसल्ली के लिए तुम्हें यहां सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है एंड आई होप आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझती होंगे। और आप जानते हैं किसके सामने बैठे हैं आप? एक मिनिस्टर के सामने। और उठा दिए ये चश्मा। सॉरी सर, एक्चुअली मेरी आंखों में इंफेक्शन है। सिद्धार्थ, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हम लोग इतने अरसों के बाद मिल रहे हैं। तो आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम लोग कॉलेज फ्रेंड हैं और कॉलेज में हमारी जोड़ी सिंगिंग में हिट थी। क्यों सिद्धार्थ?
हो। अच्छा हुआ, ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आपको यहाँ सिक्योरिटी के लिए भेजा गया और अच्छा हुआ कि आप दोनों दोस्त निकले। इट्स गुड फॉर अस, ओके? सिद्धार्थ, हम लोग इतने सालों बाद मिले हैं, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी। चलो चलो अंदर चलो। चलो ना बाबा, चलो। अरे बाबा आओ ना, आओ। अच्छा एक बात बताओ, सचमुच तुम्हारी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है या फिर तुम उससे नजरें चुरा रहे हो? बैठो और ये बताओ कि क्या खाओगे? मैं खाना खा के आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो तुम्हें यही रहना है। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या खाओगे? I'm fine, मैं बाहर जाता हूँ। क्या बात है, सब कुछ भूल गए हो तुम? स्वाति, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी शादी नहीं हुई अभी। शादी हुई नहीं या की नहीं? कुछ भी समझ लो। तुम यहां जानबूझकर आए हो ना, तुम्हें पता चला होगा। मुझे कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद मैं यहां कभी आता ही नहीं। स्वाति जी, स्वाति जी, मैं यहां पे ड्यूटी के लिए आया हूं। मैं बाहर हॉल में आपका इंतजार कर रहा हूं, आइएगा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। कहाँ है वो? कम ऑन इंस्पेक्टर, कौन कहाँ गया? हाँ कहाँ है वो स्वाति, कहाँ गया वो? वो वहाँ कहाँ गया है वो? सर जब ये चीखी थी तब तो आप यहीं थे ना? जी नहीं, मैं ड्राइंग रूम में था। ड्राइंग रूम तो इस दरवाजे के साथ लगा हुआ है, तो आपने किसी को जाते हुए नहीं देखा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है, जब कोई होगा तो दिखेगा ना?
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देखकर भी अनदेखा कर रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? हा? मुझ पे शक कर रहे हो? सर, शक करना मेरे पेशे का एक हिस्सा है। शक तो अब मुझे भी होने लगा है। ये सब बुड्ढे का दिखावा जो है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि दो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल जाए? सिक्योरिटी लगाने का आइडिया आपका था, मेरा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि सिद्धार्थ के यहाँ रहने से मुझे तसल्ली मिली। तो इसे कहो कि ये अपनी हद में रहे, हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो काम दिया गया है वही करो, समझे? स्वाति की माँ है जी। मैं आपसे स्वाति की जिंदगी के बारे में, मेरा मतलब है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आज ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? घबराओ नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ तुम्हारे पतिदेव भी हैं। तो फिर डर किस बात का? देखो मेरे पास मत आना, मैं कह देती हूँ मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। स्वाति, स्वाति मैं हूँ, मैं तुम्हारा पति, और मैं हूँ वो पत्नी, पति और वो मैं हूँ वो। इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? ऐसा लगता है कि पहली दफा देख रही हो तुम मुझे। हम दोनों को साथ देख रही है ना, इसलिए इसके होश उड़ गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि तुम इससे मिले हुए हो। झूठे पाखंडी, मैं तुम्हारा चेहरा इस दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी, देखना तुम। मुझे तो लगता है इसके होश वाकई उड़ गए हैं, ठीक करना पड़ेगा। देखो मेरे पास मत आना। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, पीछे मुड़ो। स्वाति, मैं आई से कौन? छोड़, 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 सिद्धार्थ!
मैं हेल्थ मिनिस्टर लेखराज जी के घर से बोल रही हूँ, जहाँ सीनियर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने उनकी हत्या की है। हमें कुछ लोगों ने अपना नाम ना बताने के शर्त में ये बताया है कि इंस्पेक्टर सिद्धार्थ और लेखराज जी के पत्नी के बीच में संबंध थे और उन्हीं संबंधों की वजह से इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने मिनिस्टर लेखराज की हत्या की है और खुद सिद्धार्थ ने ये कबूल भी किया है। आइए बात करते हैं लेखराज जी के भाई से, मिस्टर रवि। रवि जी, आपका क्या कहना है? क्या सचमुच कोई बुरा आदमी स्वाति जी को मारने की कोशिश कर रहा था? कोई मारने वारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो क्या ये स्वाति जी का वहम है? देखिए, वहम वहम कुछ नहीं है। स्वाति बीमारी का झूठा नाटक कर रही थी, ये सारा जाल उसी का बुना हुआ है। अपने प्रेमी से मेरे भाई का खून करवा दिया उसने। सजा तो स्वाति को भी मिलनी चाहिए। ये स्वाति जी का वहम है या इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने स्वाति जी की जान बचाने के लिए मिनिस्टर लेखराज की हत्या कर दी है, ये फैसला तो अदालत ही करेगी। कैमरामैन डी देव के साथ मैं नताशा, 24 न्यूज, मुंबई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहचानूंगा कैसे नहीं सुलेमान खान साहब, मिनिस्टर्स की आवाज में खनक ही कुछ और होती है। कहिए कैसे याद किया? हमारी पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर लेखराज का कत्ल हुआ है और ये केस आपके पास है। समझ गया, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कातिल को सजा जरूर मिलेगी। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा वकील साहब, हमने सुना है उस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ और आप में चोरी दामन का साथ रहा है। सोच लीजिएगा, ये हमारी पार्टी के साग का सवाल है। सुलेमान खान साहब, जब चोली का रंग दामन के रंग के साथ मैच नहीं होता है तो फिर कहाँ की चोली और कहाँ का दामन? और वैसे भी हम तो सरकार के रंग में रंगे हुए हैं, और कोई रंग कैसे चढ़ सकता है? सुनहरे रंग का भविष्य है आपका। सवाबी की मेहरबानी है सुलेमान साहब, अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ अब सिर्फ सिद्धार्थ बनकर जिएगा, और वो भी सलाखों के पीछे। अरे यादव, आओ आओ, तुम कब आए? बस अभी, आप फोन पर बात कर रहे थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। नाउ लेट मी गेस, तुम यहां क्यों आए हो? सिद्धार्थ कातिल नहीं है, बात कुछ और है। उसे बचा लीजिए या हमें उसे बचा लेना चाहिए, यही सब इमोशनल बातें करने आए हो ना तुम? देखा, इस बार भी मैंने तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट फेस रीडिंग की है, यही गुहार लेकर तुम आए हो। बिल्कुल सही रीड किया आपने, आया तो मैं इसीलिए था, पर अपने फर्ज के आगे मैं मजबूर हूं। ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाता हूं। सालों तक मैं इसी पुलिस स्टेशन में रहा, मगर कभी सोचा नहीं था कि इन सलाखों के इस तरफ आकर कैसा लगता है। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। क्यों? क्या क्यों? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैंने खून किया है और मुझे उसकी सजा मिलेगी। पर मैं जानती हूं कि तुम बेगुनाह हो। आप मुझसे ज्यादा जानती है। नहीं, पर इंसान को तो परख ही सकती हूं। हर बार आप सही होती है? कभी हां कभी नहीं, पर मैं इतना जानती हूं सिद्धार्थ कि हमारे देश का कानून तुम्हारे जैसे ईमानदार और बहादुर ऑफिसर्स के बलबूते पर ही टिका है, और इस बार मैं सही हूं। मैंने एक बेवस औरत को उसकी पति के अत्याचार से बचाया, मगर कानून की नजर में यह गुनाह है, और कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। पर तुम अपनी सजा तो कम करवाने की कोशिश कर ही सकते हो। इससे क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान कारोबार में होता है। अब तुम मुझे बताओगे सारी बात और अपनी, मेरी और कानून की मदद करो।
ऐसे देखने से क्या होगा? मैं तो वही कर रहा हूं जो मेरा फर्ज है। सरकारी वकील सरकार का ही काम करेगा, और वैसे भी तुम जानते हो कि ये रिश्ते नाते इमोशंस ये सब मेरे लिए बेकार की बातें, इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे गलत नहीं समझो। सर तब से आप ही सफाई दिए जा रहे हैं, एक बार मुझसे पूछ तो लीजिए कि मैं आपको गलत समझ भी रहा हूं या नहीं। योर ऑनर, आज मैं एक ऐसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हूं जो खुद कानून का रक्षक था। मुझे अदालत को यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर ने हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का खून कर दिया। योर ऑनर, मैं अदालत को यह बताना चाहती हूं कि उज्ज्वला जी, किसी भी नई बहस के मुद्दे को छेड़ने से पहले इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि सिद्धार्थ ने अपने इकबालिया बयान में यह स्वीकार किया है कि कत्ल उन्होंने ही किया है। सर, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं कि सिद्धार्थ ने खून नहीं किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि किन परिस्थितियों में सिद्धार्थ के हाथों खून हुआ है उन पर भी गौर करने वाली जरूरत है। योर ऑनर, परिस्थितियां किसी भी कातिल को बेगुनाह साबित नहीं कर देती। मिस्टर गैरोला, मैं सिर्फ अदालत को ये बता रही हूँ कि सिद्धार्थ एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, एक पेशेवर मुजरिम नहीं। आप कहना चाहती हैं कि पहली बार कत्ल करने वाले को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए? सर, मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ पर केस उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए चलाया जाए। योर ऑनर, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिद्धार्थ को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाए ताकि बाकी पहलुओं पर से भी नकाब उठ सके। आप तो हमारे भाई के कातिल की तरफ से केस लड़ रही हैं ना, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं आप, तो यहाँ किस लिए आई हैं आप? मैं स्वाति से मिलना चाहती हूँ। वो किसी से बात नहीं करेंगी। मैं आप स्वाति हैं जी, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ना वो आपसे बात नहीं करेंगी। आप समझ देखिए, मुझे ना कुछ समझना है और ना समझाना है, वो बात नहीं करेंगी बस। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वला जी, आप मुझे कानूनी भाषा मत सिखाइए। यदि आप वकील हैं, तो घसियारा मैं भी नहीं हूँ। आप जो भी हैं, मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा सवाल जवाब बंद कमरे में हो जाए तो बेहतर है। अब अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो ठीक है, खून इनकी मौजूदगी में हुआ है, मैं इन्हें अदालत में बुला लूंगी। ठीक है फिर। ठहरिए, पूछिए जो पूछना। अकेले में बैठिए, कहिए। लेखराज जी आपको मारना चाहते थे? जी नहीं। तो फिर सिद्धार्थ ने उन्हें क्यों मारा? सिद्धार्थ ने उन्हें नहीं मारा। क्या? हाँ, उनका खून उस बुढ़े आदमी ने किया है। कौन बूढ़ा? तुम उस बूढ़े का चेहरा पहचान लोगी? हाँ, मुझे उसका चेहरा याद है, मैं उसे पहचान सकती हूँ, पहचान सकती हूँ मैं उसे।
अरे तो बलदेव है, पीछे ही तो उसका घर है। Your Honor, सब कुछ इतना साफ नहीं है जितना कि मेरे काबिल दोस्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर गैरोला को दिख रहा है। असलियत तो यह है कि लेखराज का खून किसी और ने किया है और सिद्धार्थ बेगुनाह है। कमाल कर दिया आपने उज्ज्वला जी, आपने तो पूरी कहानी पलट। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली पेशी में तो आपने भी माना था कि कत्ल सिद्धार्थ ने किया है। आप परिस्थितियों की कुछ बात करके आप गुनाह को कुछ हल्का बताना चाहती थी। Your Honor, इस केस पर काम करते करते मैंने कुछ बातों पर गौर किया है जिन्हें मैं कोर्ट के सामने लाना चाहूंगी और इससे खुद ब खुद सारा मसला साफ हो जाएगा। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं उज्ज्वला जी, आप जो कहना चाहती हैं मैं बता देता हूं। Your Honor, उज्ज्वला जी अदालत को यह बताना चाहती हैं कि स्वाति मानसिक रूप से बीमार थी और जब यह कत्ल का हादसा हुआ तब भी वो अपने आपे में नहीं थी और वो खुद किसी वहम का शिकार थी। स्किज़ोफ्रेनिया, इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसका मतलब मैं ठीक हूं यही कहना चाहती है ना? कई बार मुझे लगता है उज्ज्वला जी कि आप बहुत ही सीधी और बहुत ही भोली हैं, दूसरों की बात पर बहुत जल्दी से यकीन कर लेती हैं आप। ये कहानी नहीं हकीकत है। केस पर काम तो हम भी करते हैं उज्ज्वला जी, पता था मुझे कि ये पहलू जरूर सामने आएगा। अब कोर्ट को और आपको मैं हकीकत बताता हूं। Your Honor, लेखराज साहब के मर्डर की प्लानिंग बड़ी सूझबूझ के साथ बहुत पहले से ही हो चुकी थी और इसी प्लान के तहत मिसेस स्वाति ने वहम वो बूढ़े आदमी को देखने का नाटक शुरू कर दिया। स्वाति मानसिक बीमारी की आड़ में अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी लेकिन इनकी किस्मत इनसे दो कदम आगे चल रही थी। इनके इस ड्रामे की वजह से उनके पति लेखराज साहब ने उनकी तसल्ली के लिए सिक्योरिटी रखी और सिक्योरिटी के लिए जो आदमी आया था वो उनका पुराना प्रेमी निकला। यही इनके प्लान ने एक नया मोड़ लिया। प्रेमिका ने प्रेमी को अपने शोषण की दर्द भरी कहानी सुनाई और उसके हाथों कत्ल करा दिया। और ये मिस्टर सिद्धार्थ जो यहां प्रेम की निशानी ताजमहल बने खड़े हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये प्रेम की मिसाल नहीं बल्कि मूर्खता की मिसाल है। इन्हें यूज किया गया है, दरअसल कोई बूढ़ा आदमी है ही नहीं। Your Honor, जिस बूढ़े आदमी का दिखना नाटक और मर्डर की प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा है, दरअसल ये खून उसी बूढ़े आदमी ने किया है। और वो बूढ़ा आदमी इस वक्त भी कोर्ट में मौजूद है। उज्ज्वला जी, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी कहेंगी और कोर्ट आपकी बात को मान देगा? Your Honor, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं विटनेस बॉक्स में स्वाति राज को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। स्वाति, कुछ लोग कहते हैं कि तुम वहम का शिकार, उस बूढ़े का दिखना तुम्हारा नाटक है, क्या कहोगी इस बारे में? मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं, उस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है और उस आदमी के साथ मेरी पति की कोई मिली भगत थी, लेकिन मेरी इस बात को कोई नहीं मानता। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बात का विश्वास करती हूँ क्योंकि हमारी टीम ने उस बूढ़े को ढूंढ निकाला है। मैं उसके घर तक गई हूं, मिली हूं उससे। वो बूढ़ा है, गंजा, घिनौना सा आदमी है, तंबाकू खाता है जिससे उसके दांत भी खराब है। उसके चेहरे से दरिंदगी टपकती है। वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है स्वाति, ध्यान से देखो, वो यहां पर भी हो सकता है, गौर से देखो।
यहाँ? वो यहाँ भी मौजूद हो सकता है क्या? वो यहाँ है? ध्यान से देखो और पता लगाओ। वो तुम्हारे आसपास भी हो सकता है। देखो, हाँ, 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 वो वहाँ खड़ा है। देखो, देखो वो मेरी तरफ आ रहा है। उसे रोको। मेरे पास मत आना तुम। पास मत आना। मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मुझे मार डालेगा वो। Your Honor, ये है वो शख्स जिसने स्वाति राज के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है। इसका नाम बलदेव है और ये स्वाति का सौतेला बाप है जो मर चुका है, लेकिन स्वाति के दिमाग में आज भी जिंदा है। दरअसल बलदेव एक जानवर था। रिश्ते नातों की अहमियत उसके लिए कुछ नहीं थी। स्वाति पर गलत निगाह थी उसकी। उसने कई बार स्वाति को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन उसकी माँ की वजह से उसके घिनौने इरादों में कभी उसे कामयाबी नहीं मिली। स्वाति की जिंदगी खौफ में गुजर रही थी और उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी माँ की गैर मौजूदगी में बलदेव ने स्वाति का ब्याह उसकी दुगनी उम्र के आदमी लेखराज से करा दिया। लेखराज उस वक्त मिनिस्टर नहीं, यूनियन लीडर थे। मुझवला जी, आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए मिस्टर गैरोला, सब समझाते हैं। सुहागरात वाले दिन जब स्वाति ने लेखराज को बिना विक के तंबाकू चबाते हुए देखा तो उसे उसमें बलदेव की झलक दिखाई दी। बस तभी से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा और उसे पहला दौरा पड़ा स्किज़ोफ्रेनिया का। तभी से उसके जहन में एक बूढ़े आदमी के आकार ने जन्म ले लिया। दरअसल लेखराज और बलदेव की एक जैसी शक्ल होने की वजह से इसी तरह का एक बूढ़ा उसे दिखने लगा जो उसे परेशान करता था और मारना चाहता था। चलिए, मुझसे बढ़िया मनोरंजन तो आपने करा दिया उज्ज्वला जी। आपने तो स्वाति का परफॉर्मेंस भी दिखा दिया, लेकिन इसके बावजूद इससे ये प्रूव नहीं होता है कि स्वाति नाटक नहीं कर रही है। सर, सुहागरात वाले दिन जिस डॉक्टर ने स्वाति का चेकअप किया, ये रही उसकी बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया का साफ साफ जिक्र है। स्वाति का चेकअप करने के बाद दूसरे ही दिन डॉक्टर शिंदे का ट्रांसफर हो गया, इसीलिए वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाए और ना ही किसी और ने उन्हें कॉन्टैक्ट करके रिपोर्ट लेने या कुछ बात करने की जहमत उठाई। चलिए उज्ज्वला जी, आपने ये तो प्रूव कर दिया कि स्वाति एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, लेकिन मुद्दा असली तो वहीं पर है कि सिद्धार्थ कातिल है या नहीं। ये सिद्धार्थ ही बताए तो बेहतर होगा। सिद्धार्थ, मैं जान गई हूं कि तुम चुप क्यों थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सबको बता दो कि तुम चुप क्यों रहे। अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। मैं जानता था कि मैं स्वाति की बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया को प्रूव नहीं कर पाऊंगा। कोई ये नहीं मानता कि स्वाति दिमागी रूप से बीमार है। सब लोग यही सोचते कि स्वाति नाटक कर रही है। ये कोई इसका चाल है बचने के लिए। कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मैं इसलिए चुप रहा, इसलिए। और उस दिन जब मैं उसके कमरे में गया तो छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो, 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 आज आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो।
मैं और स्वाति कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए मैंने बचपन से स्वाति की माँ को अपनी माँ माना। और उस वक्त जब गोली चली तो मैं समझ गया स्वाति की जिंदगी गई, साथ में उसके बेटे श्लोक की भी और उसकी मां की भी जिंदगी, तीनों जिंदगियां तबाह हो सकती थी। तीन जिंदगियां तबाह, इससे बेहतर था कि एक जान चली जाए। इसीलिए मैंने ये इल्जाम अपने पर लिया। उज्ज्वला जी, आपको इस केस जीतने की पार्टी मैं दूंगा, और सिद्धार्थ तुम्हारी इस कुर्बानी से मैं वो समझ पाया हूं जो 20-25 सालों में कोर्ट की किताबों से नहीं समझ पाया। आज के बाद मैं भी आप लोगों की तरह ही काम करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। हाय फ्रेंड्स, जो कहूंगा सच कहूंगा को आज एक साल पूरा हो गया, 52 एपिसोड्स। इस प्रोग्राम को लेकर आपका और हमारा साथ यहीं तक था। जी हाँ, यह हमारा आखिरी एपिसोड था। इस एक साल में आपका बहुत स्नेह हमें मिला, बहुत हौसला अफजाई की आप लोगों ने हमारी, लगातार प्रोग्राम में बहुत अच्छी तैयारी की, आप सबका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।